हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी के इस लेक्चर में हम रॉबर्ट मर्टन के बारे में जानेंगे। रॉबर्ट मर्टन के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो सिलेबस में मेंशन है एज सच, एंड कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ने की ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हुए कि रॉबर्ट मर्टन ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है सोशियोलॉजी के लिए। पहली बात तो इन्होंने क्या किया कि ना, ये ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने फंक्शनलिज्म को एक अपने बिल्कुल मुकाम पर पहुंचाया, ऐसे मुकाम पर जहां पर जो ये हाईएस्ट जो बोलते हैं पिनाकल बोलते हैं, कि पिनाकल का मतलब कि जैसे लेट्स से शुरुआत की फंक्शनलिज्म की डर्खाइम ने, डर्खाइम के बाद उसको टैलकट पार्सन्स ने फंक्शनलिज्म को बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच दी, एंड कहा जाता है कि मर्टन ने उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा दिया कि इसके बाद फंक्शनलिज्म पे कुछ ऐड करने का स्कोप ही नहीं बचा। इन्होंने सब तरह की बातें कर दी कि देखो फंक्शनलिज्म होता क्या है, व्हाट इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म एक सिंपल सी अप्रोच है, एक सिंपल सी एक तरीके का तरीका है सोशियोलॉजी में, जहां पर वो बात करते हैं कि वो वाली चीजों को ही हमें स्टडी करना चाहिए जो फंक्शनल हैं, या फिर सोसाइटी में चीजें फंक्शनल क्यों हैं। जैसे पार्सन्स की आपने थ्योरी पढ़ी थी कि समाज में चीजें फंक्शनल क्यों रहती हैं, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रहता है, अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए कैसे रिस्टोर हो जाता है, तो चीजें कैसे फंक्शनल रहती हैं। आपने इस बात पर ध्यान देना, डर्खाइम ने इस बात पर बात की थी। डर्खाइम क्या बोलते हैं कि वो कह रहे हैं कि ना, चीजें फंक्शनल हैं ये अलग बात है, चीजें कैसे बनी वो अलग बात है। कहते हैं आपको एग्जांपल कैसे, कहते हैं रिलीजन का एग्जांपल लेते हैं। वो रिलीजन का एग्जांपल में वो बोलते हैं, लेट्स से कहते हैं आप घर से बाहर निकलते हो, आप देखते हो कि बाहर चर्च है, चर्च आपको दिख गई कि अच्छा क्रिश्चियनिटी है। अच्छा क्रिश्चियनिटी क्या करती है, वो कहती है क्रिश्चियनिटी क्या करती है कि लोगों को इकट्ठे कर जोड़ रही है। लेट्स से जो भी है, वो बोलते हैं कि रिलीजन का जो एक पर्पज निकल के आया है डर्खाइम के हिसाब से, जैसे क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, कि वो लोगों को इकट्ठा जोड़ रही है ना, इट इज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, वो लोगों को इकट्ठा लेकर आ रही है, तो ठीक है टुगेदर वाली। तो कहते हैं ये उसका फंक्शन है, तो डर्खाइम यहां बोलते हैं कि ये फंक्शन है टुगेदर लेके आना रिलीजन का। लेकिन एट द सेम टाइम चीजें ओरिजिनेट कहां से हुई थी वो कहते हैं ये जानना अलग एक तरह की बात होती है, कि क्या रिलीजन इसलिए बनाया गया था सबको इकट्ठे लेके आना है। कहते फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी का जन्म कहां पर हुआ, कहते हैं वो दैट वॉज इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट सिचुएशन, वहां पर जो भी चल रहा था उस जमाने में जब जीसस क्राइस्ट आए, तो ओरिजिन वो बोलते हैं हमेशा अलग होता है, एंड उसका जो फंक्शन होता है वो अलग चीज होता है। तो डर्खाइम ने वहां से बात शुरुआत की थी फंक्शनलिज्म की, कि ये फंक्शन को उसके ओरिजिन से अलग करना, एंड कहते हैं जब फंक्शन अगर सोसाइटी के मतलब के हिसाब से सर्व होता रहेगा तो ही चीजें सर्वाइव करेंगी, अदरवाइज चीजें सर्वाइव नहीं करती। आप इमेजिन करो कितने सारे धर्म बनते हैं, कितने सारे रिलीजन बनने की ट्राई होती है। जैसे आजीविका एक सेक्ट था, आपको पता होगा आजीविका सेक्ट अभी नहीं है, अभी बुद्धिज्म जैनिज्म भी जैसे लेट्स से देखें इंडिया में काफी डिक्लाइन कर गए, तो रिलीजन तो इकट्ठे बने थे, लेकिन लेट्स से हिंदुइज्म या सिखिज्म क्रिश्चियनिटी ये वाले बहुत ही आगे चलते गए। तो चीजें शुरू होती हैं वो उसका अलग कारण होता है, एंड चीजें चलती रहती हैं, फंक्शन क्या सर्व कर रही है वो अलग होता है। तो ये बात समझ आई, डर्खाइम का थॉट है, ये शुरुआत वहां से होती है। टैलकट पार्सन्स को आगे ले जाते हैं कि जब अगर इसमें डिस्टर्बेंस आती है तो कैसे इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने की ट्राई करते हैं पार्सन्स, सॉरी मर्टन। मर्टन अब इसको बिल्कुल ही अब इसको एक अकेडमिक रूप दे देंगे एक बात को। अब आप देखते हैं वो कह रहे हैं कि जितने भी अभी तक के जो चीजें थी उनको समराइज किया इन्होंने फंक्शनलिज्म के बारे में, एंड थोड़ा सा अपने एंगल डाल के मॉडिफाई करने की ट्राई भी करी। आओ देखें क्या किया। सबसे पहली बात, इन्होंने तीन पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है इनके ओवरऑल एक तीन जो माइनर छोटी सी थ्योरीज हैं, जो इनके अजम्पशंस हैं, वो इन्होंने सामने प्रेजेंट किए कि मुझे लगता है फंक्शनलिज्म ये है और मेरी इसमें ये मॉडिफिकेशन है। ठीक है जी, तो पहला पोस्टुलेट जो इनकी पहली जो इनकी बात है ऑन फंक्शनलिज्म क्या है, वो बोलते हैं फंक्शनल यूनिटी। कहते हैं आज तक जितने भी थिंकर्स हुए हैं सारे मानते आए कि फंक्शनल यूनिटी होनी चाहिए। मतलब जो भी जैसे लेट्स से अगर रिलीजन के बहुत सारे अगर कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे जैसे रिलीजन के कंपोनेंट्स, जैसे प्रीस्ट है रिलीजन में, रिलीजन में बुक्स होती हैं, रिलीजन में चर्च होती है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके फॉलोवर्स होते हैं, वो कह रहे हैं आपस में सब यूनिटी में रहेंगे तो ही चीज फंक्शनल है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब यूनिटी में नहीं होते चीजों की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, उनकी फंक्शनैलिटी खराब हो जाती है। सिंपल सी बात है, कहते आज तक यही मानते आए हैं फंक्शनलिस्ट, जितने भी फंक्शनलिस्ट हुए सभी ये मानते आए कि फंक्शनल यूनिटी होनी जरूरी है किसी भी चीज को फंक्शनल होने के लिए। तो लेकिन मर्टन के ऐड करते हैं, फिर जरूरी नहीं है।
कहते हो सकता है जिस भी चीज की आप डिस्कस करने की बात कर रहे हो उसमें कुछ चीजें नॉन फंक्शनल हो कि काम ही नहीं करती, या फिर डिसफंक्शनल कि उस चीज के आइडिया के अगेंस्ट काम करती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं वो, जैसे रिलीजन, कहते रिलीजन के कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो डिवाइसिव होते हैं। जैसे कहते रिलीजन आपने बात कर रहे हो, सारे फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि सोसाइटी को इकट्ठे जोड़ के रखता है वो, है ना, सोसाइटी को जोड़ के रखता है। कहते लेकिन जब रायट्स वगैरह होते हैं रिलीजन में उसके नाम पर डिवाइसिव हो जाता है वो, तो कहते आप इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हो। तो वगैरह या तो कुछ नॉन फंक्शनल एलिमेंट्स हो सकते हैं एंड कुछ डिसफंक्शनल भी हो सकते हैं। तो ये यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ये इसका मर्टन का पहला एडिशन है, नॉन फंक्शनलिज्म एंड डिसफंक्शनलिज्म भी हो सकता है किसी एक फंक्शन में। ओके दोस्तों, ये पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट वो बोलते हैं फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। कहते आज तक जितने भी फंक्शनलिस्ट हुए वो मानते हैं कि फंक्शन के बिना तो गुजारा ही नहीं है। सोसाइटी के लिए फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस इंडिस्पेंसिबल हैं। इंडिस्पेंसिबल मतलब इनके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। तो जैसे अब वो दो तरह से कहते, ये पहले बताएंगे कि एग्जिस्टिंग फंक्शनलिस्ट कैसा सोचते हैं। कहते दो तरह से सोचते हैं। पहला वो कह रहे हैं कि इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ सर्टेन फंक्शंस, कि कुछ फंक्शंस के बिना तो सोसाइटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ये तो होंगे ही होंगे, हर एक थिंकर अलग तरह से देखता है, कोई रिलीजन को बोलता है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर को बोलता है, एटसेट्रा। तो लेकिन चलो वो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन क्या आइडिया क्या कैप्चर करो यहां पे, आइडिया क्या समझो कि कुछ थिंकर्स ने माना कि कुछ फंक्शंस तो सोसाइटी में होंगे ही होंगे, उसके बिना तो सोसाइटी बन ही नहीं सकती। जैसे रैडक्लिफ ब्राउन है, रैडक्लिफ ब्राउन क्या बोलते हैं इसको, इसको कोर्ट्स में डाल देना, इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशंस, कि जब तक ये नेसेसरी कंडीशंस पूरी नहीं होती सोसाइटी ही नहीं बन पाती। ये इसको रैडक्लिफ ब्राउन का नेसेसरी कंडीशंस बोला जाता है। पार्सन्स ने क्या बोला था इसको, AGIL याद है, फंक्शनल रिक्विजिट्स। वो बोलते जब तक ये AGIL पूरा नहीं होगा तब तक कोई चीज, कोई सिस्टम सर्वाइव ही नहीं करेगा। ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने ये बात, AGIL। तो ये वो बोल रहा है कि इसी तरह से बहुत सारे फंक्शनलिस्ट हुए जो बोलते हैं कि सर्टेन फंक्शंस आर इनडिस्पेंसिबल, उनके बिना तो सोसाइटी इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है। एंड दूसरा तरीका एक और क्या होता है, ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इनडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। वो कह रहे हैं कुछ ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनके, अगर आप उनको हटा दोगे सोसाइटी विल कोलैप्स। तो कहते ऐसे भी थिंकर्स हैं बहुत सारे, जैसे मेलिनोस्की, वो बोलते थ्योरी ऑफ नीड्स। ये अगर आप इसको और डिटेल में, मैं तो कहूंगा सिर्फ कोट करो इसको यहां पर, अगर आप इसको और डिटेल में चाहते हो पढ़ना, ये हरलंबस में गिवन है। तो लेकिन इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर हम छोटे से टॉपिक में छोटा सा एग्जाम्पल डाल रहे हैं। तो यहां पर मेलिनोस्की की थ्योरी ऑफ नीड्स है, वो भी यही बोलती है कि पर्टिकुलर हर एक इंस्टीट्यूशन की, सॉरी हर एक सोसाइटी की कुछ नीड्स होती हैं, अगर उस नीड्स को पूरा नहीं किया गया सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो मेलिनोस्की उसमें आगे जाके बहुत बात करता है, जैसे डेथ के फियर को कैप्चर करने की नीड है, एंड इसीलिए बोलते हैं हम रिलीजन को डिराइव कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो बस थ्योरी ऑफ नीड्स के बारे में आप इतना ध्यान रखना कि मेलिनोस्की ने क्या कहा था कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड्स है सोसाइटी की, वो पूरी करनी पड़ेंगी, अदरवाइज सिस्टम विल कोलैप्स, सोसाइटी विल कोलैप्स, ठीक है। एंड डर्कहाइम ने क्या कहा था, DOL, कि अगर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी, ये डिवीजन ऑफ लेबर नाम की अगर एक चीज ना हो सोसाइटी में तो सोसाइटी विल कोलैप्स। एंड रिलीजन, बहुत सारे थिंकर्स रिलीजन को मानते हैं इंडिस्पेंसिबल, अगर ये नहीं होगा तो सोसाइटी विल कोलैप्स, ठीक है। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन माने गए बहुत थिंकर्स द्वारा। तो दो बातें ध्यान रखना कि कुछ फंक्शन इंडिस्पेंसिबल है एंड कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन इंडिस्पेंसिबल है। देखो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे फंक्शनलिस्ट क्या चाहते हैं बोलना, कि अगर समाज में कोई चीज एग्जिस्ट करती है पक्का ही कोई फंक्शन सर्व कर रही होगी, अदरवाइज वो सोसाइटी उसको उखाड़ के बाहर फेंकती अगर उसको कोई फंक्शन सर्व ना हो रहा होता, ठीक है। तो सिंपल सी बात ही चाहते हैं कहना। इसको मर्टन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मर्टन क्या बोलते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एक जो सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर हर एक फंक्शन जो है वो इंडिस्पेंसिबल हो। कहते फंक्शन के ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। कहते फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मानते हैं कि जैसे फैमिली है, फैमिली इज इंडिस्पेंसिबल, कि फैमिली के बिना सोसाइटी कंसीव करना मुश्किल है। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समाज में देखो क्रेच आ गए, ये अपनी किताब में खुद देखते हैं, वो क्रेच होता है जहां बच्चों को छोड़ देते हैं जब पेरेंट्स काम करने जाते हैं। कहते सोसाइटी की नीड चेंज हुई है तो फैमिली का ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, अब बच्चे की जो टोटल अपब्रिंगिंग हो रही है क्रेच में हो रही है, माँ बाप के बिना वो इतने 10 घंटे गुजारते हैं क्रेच में, तो वहां पे सोशलाइज करता है वो अलग तरह से, आया से अलग तरह से बात करना सीखता है। तो कहते देखो फैमिली का ऑल्टरनेटिव आ गया। ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बताते हैं मर्टन, जैसे बोलते हैं कि
एक जैसे फैमिली का बताते हैं वो, कि फैमिली का एक इंपॉर्टेंट रोल था कि एडल्ट को स्टेबलाइज करना, कि है ना, एडल्ट को स्टेबलाइज करना कि एडल्ट ऐसे ऐसे पागलों को जैसे ना घूमे, उसको थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखना फैमिली करती है। तो कहते हैं अभी अभी फैमिली का ये काम नहीं रहा, अब लॉ करता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है ना सरकार, अगर आप जाके पागलों को जैसे गाड़ी चलाओगे या किसी को गालियां निकालोगे, लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स कोर्स, आपको रोकेगा वो। तो कहते देखो हमने लॉ एंड ऑर्डर फैमिली का वो जो था एडल्ट स्टेबलाइजेशन वाला फंक्शन, उसका हमने अल्टरनेटिव बना दिया लॉ। ठीक है, तो ये मटन की बात बहुत दमदार बात है कि अल्टरनेटिव्स आते जा रहे हैं, एंड इंडिस्पेंसिबिलिटी तो किसी चीज की रही ही नहीं, अब नई नई तरह की चीजें आती रहेंगी। स्कूल आ गए, जो बच्चों को सिखाने का पहले काम क्या होता है, परिवार में सिखाते थे, अब स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, वहां सिखाया जाता है, प्ले वे वगैरह आते जा रहे हैं, तो इसीलिए ठीक है इंडिस्पेंसिबिलिटी नहीं रही। यहां पर मटन बहुत ही एक्यूरेट नजर आते हैं, इसलिए बोलते हैं लॉजिकल कंक्लूजन पर ले गए वो। एंड तीसरी बात क्या है इनकी, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि जैसे जो भी कोई सोशल कोई भी चीज चल रही है वो इनएविटेबली फंक्शनल होगी एंड यूनिवर्सली, कि जब भी देखोगे उसको, जब भी आज देखो कल देखो जहां मर्जी देखो वो फंक्शनल ही मिलेगी आपको। ठीक है, जब भी किसी भी फॉर्म में देखोगे, मान लो रिलीजन है, रिलीजन कहते जैसे भी दुनिया की फॉर्म में होगा वो अच्छा काम ही कर रहा होगा, फंक्शनल होगा। ठीक है, इनएविटेबिलिटी है, वरना जो एग्जिस्टिंग जो थिंकर्स हैं हमारे मटन को छोड़ के, उसके जो पहले वाले थिंकर्स हैं वो क्या मानते हैं कि भाई ये चीजें फंक्शनल रहेंगी ही रहेंगी, इसका कोई उपचार ही नहीं है इसके बिना, रिलीजन ने जोड़ना ही जोड़ना है, उसके बिना तो रिलीजन रहेगा ही नहीं, सोसाइटी उसको काट के बाहर फेंकेगी। तो जैसे कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे बोलते हैं, कॉन्सेंसस की बात करते हो, अगर आपने रिटजर में इसको नोट किया, ऑगस्ट कॉम्टे बोलते हैं कि कॉन्सेंसस बनाने के काम करते हैं, अदरवाइज कॉन्सेंसस बनता है तो ही कोई चीज बन के आती है बाहर, अदरवाइज वो चीज बनती ही नहीं। रिलीजन में अगर बहुत लोगों का विश्वास ना होता रिलीजन बनता ही ना वो वाला, तो ठीक है। कॉम्टे, मेलिनोस्की बोलते हैं वाइटल फंक्शंस, ये ना प्लीज ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकर्स के आगे लिख दोगे तो बहुत ज्यादा बातें कन्वे कर रहे हो दो दो शब्दों में ही। ठीक है, तो मेलिनोस्की वाइटल फंक्शंस बोलते हैं, जैसे कुछ वाइटल फंक्शंस हैं, वाइटल किसको बोलते हैं, ऐसे जो जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ऐसे वाले फंक्शंस हैं। एंड मर्टन ऐड क्या करते हैं, मटन अगेन वही बोलते हैं कि नहीं जरूरी नहीं है, डिसफंक्शनल या नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं चीजें, हर वक्त हर चीज फंक्शनल है जरूरी नहीं है। तो जो इन्वेस्टिगेटर का क्या टास्क है, इन्वेस्टिगेटर का टास्क है कि नेट बैलेंस ढूंढना, कि ओके ये थी चीज फंक्शनल, ये थी नॉन फंक्शनल और ये थी डिसफंक्शनल, ठीक है जी, इसका नेट बैलेंस ये निकल के आ रहा है, तो ये ओवरऑल चीज कोई चीज है। ये रिलीजन ऐसा नजर आता है कि भाई पॉजिटिव कर रहा है कि नेगेटिव कर रहा है, तो ये मर्टन की एडिशन है कि नेट बैलेंस ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसके बिना कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते कि ये चीज अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन चीज मैं एक बार क्विकली रिपीट कर रहा हूं, थ्री पोस्टुलेट्स करके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पहला पोस्टुलेट है फंक्शनल यूनिटी, कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में हमेशा ही जुड़े हुए हैं, आपस में कोई उनका मतभेद नहीं है। मटन बोलते हैं नहीं भाई, नॉन फंक्शनल डिसफंक्शनल भी हो सकते हैं, एंड देन बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल है दो तरह से, कि फंक्शंस इंडिस्पेंसिबल एंड इंस्टीट्यूशंस इंडिस्पेंसिबल। तो मटन बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है, अल्टरनेटिव भी होते हैं। ठीक है जी, इंडिस्पेंसिबल कोई चीज नहीं दुनिया में, अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन यूनिवर्सल, कि जब भी देखोगे ये चीज आपको फंक्शनल मिलेगी, तो वो कह रहे हैं ऐसा भी कुछ नहीं है, कि आपको नेट बैलेंस देखना है, नेट बैलेंस किस क्या चल रहा है। अब अगर इस वक्त हो सकता है फंक्शनल हो, थोड़ी देर बाद हो सकता है नॉन फंक्शनल हो, डिसफंक्शनल हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे थ्री पोस्टुलेट्स। तो अब फंक्शनलिज्म में यहां पर एक और चीज है, कि अब लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस के बारे में भी हम क्विकली जान लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा थॉट है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। देखो पहला होता है मैनिफेस्ट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन में अगर मैं क्विकली आपको समझाता हूँ क्या होता है, मैनिफेस्ट फंक्शन वो वाला फंक्शन है जो आप सोच के करते हो, जो आपके दिमाग में आइडिया होता है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करने जब आप जाते हो तो आप मैनिफेस्ट फंक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से कि आपने डिसाइड किया कि आपको IAS बनना है। ठीक है, IAS बनना है, उसके लिए आपने किताबें पढ़नी शुरू करी, किताबें खरीदनी शुरू करी। ठीक है, किताबें खरीदनी शुरू करी, तो किताबें खरीदनी शुरू करी वो क्या था आपका मैनिफेस्ट एक फंक्शन, कि किताब खरीदना। अब लेकिन हुआ क्या उससे, कि उससे लेट्स से कि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो गई कि हमें पॉलिटिक की किताब चाहिए, इकोनॉमी की किताब चाहिए, नए नए तरह के थिंकर्स आ गए, राइटर्स आ गए जो चाहते हैं UPSC की किताब लिखना, क्योंकि बच्चे अब डिमांड करते हैं। तो आपने तो नहीं किसी को बुलाया ना कि आओ मेरे लिए किताब लिखो, तो लेकिन डिमांड क्रिएट हो गई, आपने सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन हो गया, सोसाइटी में कोई कॉन्सिक्वेंस हो गया उससे। सोसाइटी में जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो आपने सोचा नहीं लेकिन हो जाए, तो उसको क्या
बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेटेंट। लेटेंट मतलब छुपा हुआ, हिडन, आपको नहीं पता था लेकिन हो गया। सिंपल सा एक और काम जो कार्ल मार्क्स का इल्जाम है कैपिटलिज्म पे, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म फैमिली को बहुत बढ़ावा देता है, ठीक है। वो कहते हैं क्यों देता है बढ़ावा, उसे पूछते हैं क्यों बढ़ावा देता है, तो कहते हैं फैमिली को कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म बढ़ावा क्यों देता है, क्योंकि कहते हैं कि फैमिली जब बच्चे पैदा करती है बहुत सारे तो कैपिटलिस्ट को वर्कर्स मिलते हैं, कैपिटलिस्ट को नए नए वर्कर्स मिलते हैं। तो इसीलिए इसको भी कोट करते हैं मर्टन अपनी किताब में कि कार्ल मार्क्स जब ये वाली बात कह रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट नहीं लेटेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं। लेट्स से आपके परिवार में बच्चा पैदा हुआ तो आपने तो नहीं सोचा ना कि चलो भाई अब समाज को एक नया वर्कर मिल गया, आपने तो खुशी मनाई है ना, आपने तो वहां पे बोला कि अच्छा हुआ कि घर में बच्चा आ गया, तो वो था मैनिफेस्ट कि जब आपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा किया तो मैनिफेस्ट फंक्शन था, लेकिन कैपिटलिज्म को एक वर्कर मिल गया वो लेटेंट फंक्शन हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना कि मैनिफेस्ट होता है इसीलिए मैनिफेस्ट को हमेशा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल कि इंसान सोचता है दिमाग में उसके बाद एक्शन लेता है, हाँ मुझे ये अचीव करना है तो मेरे को ये काम करना चाहिए। लेटेंट क्या होता है, लेटेंट इज ऑलवेज सोशल कि आपका समाज पे क्या इंपैक्ट पड़ गया, तो आपने सोचा नहीं था, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। तो यहां पर यह वर्ड भी दिमाग में रखना, इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, यहां पर कौन सा है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, आपने सोचा नहीं था लेकिन तब भी इसका ये इंपैक्ट हो गया। चलो क्विकली देख रहे हैं क्या लिखा नीचे। तो मैनिफेस्ट इसीलिए वेबर से इंस्पायर्ड है क्योंकि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, कि थिंक जो एक्टर है, एक्टर ने खुद अपना दिमाग लगाया, एक्टर ने अपने दिमाग लगाने के बाद एक्शन लिया, तो मैनिफेस्ट बोलते हैं उसको। और पार्सन इसको मोटिवेशनल ओरिएंटेशन बोलते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में, एंड ये इंटेंडेड मीनिंग है, मैंने आपको बताया था अभी, ये वर्ड प्लीज भूलना मत, ये नोट करके रखना, इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द एक्टर है। और ये इंडिविजुअल के लिए सब्जेक्टिव है, हर एक इंडिविजुअल के लिए इट कैन वेरी कि कोई लेट्स से आईएएस की तैयारी किसी और कारण करता है, कोई किसी और कारण करता है ना, इट माइट वेरी, एंड इसीलिए साइकोलॉजिकल डायमेंशन है एंड ये माइक्रो पर्सपेक्टिव है। ये सारे पॉइंट्स प्लीज याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आसपास जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग हैं। माइक्रो पर्सपेक्टिव क्यों है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक बात हो रही है, एंड इसलिए मर्टन क्या बोलता है, इनको समझने के लिए आपको नॉन पॉजिटिविस्ट टेक्निक ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल साइड है ना, ये वाली साइकोलॉजिकल साइड है, तो नॉन पॉजिटिविस्ट ही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम लेटेंट, लेटेंट पे क्या बोलते हैं, वो लेटेंट में बोलते हैं ये डर्खाइम से या रेडक्लिफ ब्राउन से इंस्पायर्ड है, आर ए कर लो यहां पर, रेडक्लिफ ब्राउन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कौन सी चीज है, ये दिस इज द सोशल साइड ऑफ योर एक्शन कि जो समाज पे क्या इंपैक्ट पड़ा। ओके तो जैसे हाँ जी एक मिनट सॉरी थोड़ा हैंग हो गया कंप्यूटर हमारा। ओके तो इसके बाद यहां पर हम बात कर रहे थे लेटेंट फंक्शन की, ये डर्खाइम और आपके ये रेडक्लिफ ब्राउन से इंस्पायर्ड है ये, एंड जैसे ये एग्जाम्पल जो अपनी खुद की किताब में कोट करते हैं मर्टन, वो है हॉपी ट्राइब का। हॉपी ट्राइब एक जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका के तरफ एक ट्राइब्स हैं, आप इनका नाम लिखोगे तब भी इट्स ओके। हॉपी ट्राइब के बारे में क्या बोलते हैं वो, कि वो बोलते हैं कि जब बारिश नहीं आती तो ये सब लोग इकट्ठे होते हैं एंड दे स्टार्ट डांसिंग कि रेन गॉड्स को प्लीज करने के लिए, ताकि रेन आए, ठीक है, ताकि रेन आए। तो कहते हैं अब यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे मिलके डांस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डांस कर रहे हैं, इनका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है, बारिश लेकर आना। लेकिन अब हो क्या रहा है कि सब ये इकट्ठे हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, दे आर गेटिंग इंटीग्रेटेड, इन सब में भाईचारा भी बढ़ रहा है। तो इन्होंने सोचा नहीं था कि चलो भाईचारा जाके बढ़ाएं, ये तो बारिश आते थे लेके आना, तो इंटीग्रेशन हो रही है, दैट इज योर लेटेंट फंक्शन। समझ रहे बात ये वाली, छोटे सा एग्जांपल है रिलीजन का, जो होता है कि आप वहां मत्था टेकने गए हो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहां भी, तो आपने तो अपना कुछ काम पूरा करवाना था भगवान से, भगवान को प्रणाम करना था, कुछ भी करना था, लेकिन हो क्या रहे, ग्रेजुअली जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो उस सब रिलीजन के लोग वहां पे आते हैं एंड उनके साथ आप इंटीग्रेट हो रहे हो। तो लेटेंट फंक्शन इज ऑलवेज सोशल इन नेचर। ओके तो सोशल एंड वो वाला आप ध्यान रखना। तो ये एक्टर के हिडन होते हैं, एक्टर को पता नहीं होता कि मेरे साथ मेरे एक्शन से ऐसा कुछ कॉन्सिक्वेंस हो रहा है। जैसे पीटर बर्जर का बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा फार फेच एग्जाम्पल है, समझने की ट्राई करना। वो बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका में गैम्बलिंग पे बैन लगा दिया, तो गैम्बलिंग पे बैन क्यों लगाया था, क्या सोच के लगाया होगा, क्योंकि गैम्बलिंग बुरी चीज है, परिवार बर्बाद हो रहे थे एटसेट्रा। तो कहते हैं वो तो था मैनिफेस्ट फंक्शन, लेकिन लेटेंट क्या हुआ कि जो एक हिडन एम्पायर, जो इलीगल एम्पायर बन गया गैम्बलिंग का, वो इलीगल एम्पायर बनना लेटेंट फंक्शन प्रूव हुआ। इसलिए बोलते हैं वो, पीटर बर्जर इसमें ऐड करते हैं, वो बोलते हैं कि लेटेंट फंक्शन नहीं हो सकता है कि लेटेंट डिसफंक्शन भी हो, कि किसी चीज का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, ठीक है। ओके
तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, ये वर्ड भूलना नहीं है हमने, एंड एक्टर जनरली इसके बारे में अनअवेयर है, एक्टर को पता नहीं उसके उसके ऐसा करने से ये कहीं कॉन्सिक्वेंस समाज में हो रहा है। एंड जैसे आप देखते हो छोटी छोटी चीज़ों के आप जब हिडन मीनिंग निकालते हो, जैसे लेट्स से अभी ना एक बहुत ही सही कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी अबाउट मूवी पद्मावत, वहाँ पे मूवी में ऐसा कहा गया था कि कोई देयर इज सम एक्ट्रेस, उसने बोला था कि स्वरा भास्कर कि जब ये इसमें जौहर वगैरह जो करते हुए दिखाया गया मूवी में, उसके बाद शी सेज कि उसको काफ़ी बुरा लगा स्वरा भास्कर को, बिकॉज कि उसको लगा कि ना कि विमेन सिर्फ और सिर्फ हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ वेजाइना, क्योंकि जनरली सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसको सेक्सुअली अब्यूज ना कर दें, वो उसने खुद को जला लिया। तो कहते क्या उसकी और कोई आइडेंटिटी नहीं है उसके सिवा स्वरा भास्कर का, ये एक क्वेश्चन था। तो वो स्वरा भास्कर यहाँ पे उस पर अखबार में आर्टिकल आया हुआ था कि वेन शी सेज दैट शी हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ वेजाइना, वट डज इट मीन, इट मीन्स एक सिंपल सी बात करें, यहाँ पे हिंदू में आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं इसको, और कहते हैं यहाँ पे शी वॉन्ट्स टू टेक यू टू वॉट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, कि विमेन की सिर्फ इज्जत सिर्फ और सिर्फ तभी है जब तक वो सेक्सुअली अब्यूज नहीं हुई, अदरवाइज अगर किसी ने इस पर सेक्सुअल किसी ने अटैक किया, आप खुद विटनेस करते हो ये वाली बात, रेप वाली बात, आप सभी लोग सोशोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप सबको थोड़ा इस पर ज्यादा अवेयर रहना है कि जैसे जब जो रेप जो होते हैं, जैसे किसी के साथ रेप हुआ तो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर औरत को हमने यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे समाज ने शेम करना शुरू कर दिया, हमने उसको रेप विक्टिम बना दिया। तो लेकिन अब अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है कि जिसके साथ रेप हुआ पहले उसके साथ बुरा हो चुका है, समाज ने उसकी शेमिंग और कर दी, तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज कि वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार, रादर अब देख रहे हो आप टर्मिनोलॉजी बदल रही है, टर्मिनोलॉजी बदल के क्या हो गई है, अब उसको रेप सर्वाइवर कहा जाता है, क्योंकि कहते हम उसकी उसको शेम करें ना जिसने ये काम किया, उसको शेम करो रादर देन कि जिसपे हुआ। तो ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस पे काम हो रहा है कि अब आपके आपने कहा नहीं था कुछ, ओ आपने बोला ओहो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, भाई बुरा आपके साथ हुआ ठीक है, लेकिन जिसने किया उसके साथ ज्यादा बुरा होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये वाली जो चीज़ है सर्वाइवर, टर्मिनोलॉजी चेंज करने की बात होती है कि जो आप हिडन जो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप कह जाते हो, जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल मैं इस पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि इस पे सवाल आते हैं, बहुत ही डीप क्वेश्चंस आते हैं एंड जनरली विमेन पे सेक्सुअल अब्यूजेस को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे मैं चाहता हूं कि आप इस पे थोड़ा और सोचो ठीक है। जैसे अब एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली बहुत सारी इमेजेस हैं, वो क्या दिखाती हैं कि जो लेट्स से ऐसे दिखाते हैं ना, जैसे राम एंड गीता फोटो में बने होते हैं, राम चढ़ा हुआ पेड़ पर एंड वहां से फल तोड़ रहा है, गीता नीचे खड़े होकर फल कैच कर रही है, तो वहां पे क्या दिखाया गया कि राम जो कि एक लड़का है एडवेंचरस है, लड़की नीचे पर सिर्फ सपोर्ट फंक्शन देगी। तो अब ये सारी फोटो बदल रही हैं, आपने देखा होगा लेटेस्ट एनसीईआरटी में लड़की भी पेड़ पर चढ़ी है, एक और पेड़ पर लड़की भी फल तोड़ रही है, तो ये अब देखो स्टीरियोटाइप जो बनाए हुए थे, स्टीरियोटिपिकल जो इमेज है लड़का लड़की की, वो बदलने की ट्राई कर रहे हैं ताकि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज जो हम हैं समाज में करते हैं उसको थोड़ा उसको रोक सकें या उसको हम ऑल्टर कर सकें, जो हम चाहते हैं इक्वालिटी लेके आना वो अनइंटेंडेड तरीके से भी आए। ओके तो ये स्ट्रक्चरल डायमेंशन है, समाज के डायमेंशन के स्ट्रक्चर को बदलती है, किसी को पावरफुल बनाती है किसी को वीक। ओके तो ये मर्टन क्या रिकमेंड करते हैं कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये स्पेलिंग गलत है, क्वांटी एंड क्वाली दोनों ही यहां पर यूज करने चाहिए लेटेंट फंक्शन को जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब सिग्निफिकेंस देख लो क्विकली, इसने किया क्या, इसने परव्यू इंक्रीज कर दिया है सोशियोलॉजी का, कि परव्यू मतलब कितनी चीजें आप सोशियोलॉजी में जान सकते हो उसको इंक्रीज किया, डायमेंशन इंक्रीज करी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को ही इंक्लूड करना शुरू किया, सब्जेक्टिव मतलब किसी इंडिविजुअल की बात, ऑब्जेक्टिव मतलब जो हो रहा है समाज में, अनअवेयर था जिसके लिए एक्टर, उसके दोनों कॉन्सिक्वेंसेज को इंक्लूड करना शुरू किया, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखती है, साइको प्लस सोशो दोनों को इकट्ठे जोड़ दिया है ना, एंड इसने पॉजिटिविज्म, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म के बीच की जो कॉन्ट्राडिक्शन को भी रिजॉल्व किया। ओके तो ये थी अपने पास एक बेसिक सी कहानी अबाउट फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट हम चैप्टर में अभी हम शुरू करेंगे वो है फंक्शनल पैराडाइम। फंक्शनल पैराडाइम भी बहुत बार आपको मेंस में पूछ चुके हैं सोशो के, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स अ लॉट।